दलित शोषित के मसीहा संस्थापक के आर का नेतृत्व करता राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी के नेतृत्व में इनको भी प्रतिनियुक्त किया और इनके साथ है नीतीश कुमार गिरी जी, ये भी बहुत ही सक्रिय है। मैं इनसे आशा करता हूँ। नमस्कार, मैं संजीव और आप देख रहे हैं दृष्टि न्यूज विद्यापति धाम। मैं मौजूद हूँ अभी विद्यापति प्रखंड के विद्यापति साहित गाछी टोल में, और जैसा कि हमारे पीछे तमाम LJP रामविलास पासवान के जो पदाधिकारी गण है वो यहाँ पर मौजूद है, और जिला संगठन प्रभारी माननीय कैलाश पासवान जी के आवास पर आज सैकड़ों की संख्या में LJP रामविलास पासवान के पार्टी के कार्यकर्ता लोग गण उपस्थित है, और साथ में विद्यापति प्रखंड अध्यक्ष हिमांशु रंजन जी उर्फ राजू सिंह जी भी उपस्थित है, और इनके अध्यक्षता में और कैलाश पासवान जी के अध्यक्षता में आज तमाम पोस्ट जो रिक्त है, जो LJP रामविलास पासवान की पार्टियां हैं उसमें जो तमाम पोस्ट प्रखंड के रिक्त है उन पोस्ट को भरने का काम आज करेंगे। बने रहे हमारे साथ दृष्टि न्यूज विद्यापति धाम। विद्यापति नगर प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष हिमांशु रंजन के नेतृत्व में श्री राजगीर पासवान मौक धनेशपुर उत्तर के पंचायत अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की जाती है, और पार्टी इनको धन्यवाद देता है कि चिराग पासवान के हाथों को मजबूत करेंगे। फर्स्ट बिहारी का लोगों जो है हमारा वह मजबूती आएगा, और समाज में एक दबे कुचले व्यक्ति ये वार्ड सदस्य भी हैं, वहाँ से बहुत मजबूत सिपाही हैं, और दलित सेना के बहुत दिन से रहे कर्तारा मिला जी के नेतृत्व में ये पुराने साथी हैं, इसीलिए इनको जो पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधित्व किया जाता है। अध्यक्ष हिमांशु रंजन के नेतृत्व में विद्यापति प्रखंड के संगठन सचिव दयानंद ठाकुर जी को प्रतिनिधित्व किया जाता है, और इनसे आशा करते हैं कि पार्टी की मजबूती के लिए ये संगठन की ओर तत्परता से चिराग पासवान को हाथ को मजबूत करेंगे, और फर्स्ट बिहार स्लोगन को ये जागता उदाहरण देंगे। रामविलास पासवान जी लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक और पूरे प्रदेश का दलित शोषित के मसीहा संस्थापक के आर का नेतृत्व करता राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी के नेतृत्व में आज हिमांशु रंजन प्रखंड अध्यक्ष हमारा विद्यापति नगर प्रखंड के, मैं जिला संगठन प्रभारी की ओर से मैं विद्यापति नगर प्रखंड महासचिव के रूप में मोहम्मद उस्मान कलीमी नगर को प्रतिनिधित्व करता हूं। इनसे आशा करता हूं कि अत्यंत पिछड़ी समाज के जो अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं, इनसे आशा करते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में जोड़कर श्री चिराग पासवान का नेतृत्व को मजबूत करें, और विद्यापति प्रखंड में हम आशा करते हैं हिमांशु रंजन जी के नेतृत्व में और दयानंद ठाकुर जी सकल देव पासवान जी हैं मौक दक्षिण के पंचायत अध्यक्ष, इनको भी प्रतिनियुक्त किया, और इनके साथ है नीतीश कुमार गिरी जी, ये भी बहुत ही सक्रिय हैं। मैं इनसे आशा करता हूँ कि फर्स्ट बिहारी जो हमारा मैनिफेस्टो है मुक्त बिजली मॉडल शिक्षा और बिहार बेरोजगार मुक्त बिहार बनाने का जो संकल्प लिया है चिराग पासवान, वह बिहार में बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा और बिहार का नेतृत्व करके बिहार को एक देश का पूरे भारत में बिहार के नाम से जाना जाएगा। यह वह बिहार है जहाँ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हो, प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद हो, ये सब लोग इस धरती को सींचे थे, रामविलास पासवान सींचे थे उनका सपना साकार करने के लिए। चिराग पासवान के नेतृत्व और प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी के नेतृत्व में हम लोग पूर्ण रूप से संगठित हैं, और इनसे उस्मान जी से आग्रह करते हैं कि अल्पसंख्यक समुदाय में ये चिराग पासवान के नेतृत्व में ये चले। मैं इनके साथ पूरे टीम सातों कदम से कदम मिलाकर किसी भी समस्या में इनके साथ रहकर इनकी समस्या देखेंगे, और समाज में जो दलित पिछड़ा अन्य जो किसान प्रकोष्ठ है सभी को हम धन्यवाद देते हैं जो आगे बढ़े, और विद्यापति प्रखंड एक नंबर पर रहेगा हिमांशु जी के नेतृत्व में। मैं हिमांशु जी को धन्यवाद देता हूँ, इन्होंने संगठन की ओर अग्रेसिव है, और प्रखंड प्रवक्ता के रूप में हमारे प्रखंड के संजीव कुमार झा जी को भी धन्यवाद देते हैं। युवा पीढ़ी है और युवा चिराग भी है, चिराग चाहता है कि बिहार में बेरोजगारी समाप्त हो, और मेरा बच्चा जो अभी शिक्षा भी मॉडल इसीलिए बनाने के लिए जा रहा है, जो शिक्षा आज मेरा बच्चा यूक्रेन जा रहा है,
भोपाल जा रहा पढ़ने के लिए इंजीनियरिंग हो या MBBS की पढ़ाई होता है, जो टेक्नोलॉजी पढ़ाई के लिए आज बिहार में कोई व्यवस्था नहीं है। 20 सरकार से 2% की सरकार हम लोग को दबोचे हुए है। हमारा विकास नाम का कोई चीज नहीं है, बेरोजगारी पर कोई लगाम नहीं है, न बिहार में एक सुई का फैक्ट्री आज तक लगा। मैं धन्यवाद देता हूँ चिराग पासवान जी को, जिन्हें नेतृत्व संभाला है और युवा सम्राट के नेतृत्व में बिहार प्रदेश में 2025 में मुख्यमंत्री बनेगा, यह आशा और विश्वास के साथ मैं उस्मान जी और सभी भाई को धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय लोकतंत्र।